हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू वीडियो में। और भाई साहब, बहुत दिनों बाद हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं एंड ये वीडियो थोड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला, तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो के लास्ट तक जरूर से बने रहे। तो अभी ना दोस्तों, मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया था, लेकिन उसके चक्कर में जो मेरे चैनल है उसमें कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ गया। तो बातें ऐसी थी, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर उन्हें पता है, मैं अभी बीच में रमी ऐप का प्रमोशन कर रहा था और उसके लिए चार्ज कर रहा था मैं 2000 रुपये में। बात हुआ था पूरा 3000 बात हुआ था, लेकिन उस भाई साहब ने 1500 बस दिया। मैं पूरा शुरू से बता रहा हूँ आपको, बात हुआ पैसा ऐसा का सब बात हो गया, कितने में प्रमोशन करना है, हम भी इधर रेडी। तो वीडियो तो सबसे पहले उसने बनवाया प्रमोशन का, और वीडियो को क्या काम किया, अनलिस्टेड करवा दिया और लिंक सेंड करवाया मेरे उनके पास। मैं फिर लिंक सेंड करा, जैसे कि लिंक सेंड करा, फिर वो थोड़ा देर रहे, मैंने उससे पूछा भाई पैसा वैसा कब दोगे, वीडियो तो डलवा दोगे और पैसा कब दोगे, आधे घंटा में आ जाना चाहिए। भाई उसने लिंक सेंड करवा दिया और फिर थोड़ा देर बाद बोला भाई वीडियो को पब्लिश कर दो। मैंने वीडियो को तुरंत पब्लिश कर दिया, एक घंटा हो गया, दो घंटा हो गया, वो पैसा नहीं दे रहा था। अब ऐसे करते करते वो बोलने लगा भाई कंपनी से बात चलती है, आगे चल के आपके साथ भी ये स्कैम हो सकता है, तो मैं शुरू से लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहना। तो उसने क्या काम किया, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, पैसा ही नहीं दे रहा था। अब मैं सोचा यार वीडियो डिलीट कर दूंगा, अच्छे खासे व्यू भी गए थे, एक दिन में 1000 व्यू गए थे उस वीडियो में, प्रमोशन वीडियो में। अब क्या हुआ, 3 दिन हो गए भाई पैसा नहीं दे रहा था, मेरे तो दिमाग खराब हो गया था कि वीडियो को डिलीट मार दे रहा हूँ, लेकिन मैं सोचा डिलीट मार के भी क्या फ़ायदा, कहीं दे दे फिर 2-3 दिन और रुक जाते हैं। तो उस भाई साहब ने बोला, फिर मैं उसे एक स्कैम जैसा, अब देखो भाई एक कहावत है ना, लोहे को लोहा काटता, तो मैं भी उसके साथ चालाकी किया। उसे मैं बोला मेरा एक और चैनल है, उसमें भी प्रमोशन कर दे रहा हूँ, आप मेरे को इतना पैसा दे देना और मेरा बाकी का पेमेंट कर दो। तो उसने क्या काम किया, मेरा जो बाकी का पेमेंट था 1500 रुपये बस मेरे पास सेंड किया, और जैसे ही सेंड किया उसे बोल दिया था कि मैं मेरा एक और चैनल है उसमें भी डाल दूंगा, लेकिन मैं डालना नहीं था, मेरे को सिर्फ उनसे पैसा लेना था। 1500 रुपये लिया और मैं उसे ब्लॉक कर दिया, वो गंदी गंदी गाली दे रहा था। फिर मैं उसे बताया भाई कि यहाँ से किसी के साथ स्कैम मत करना। उसने भाई वीडियो डलवा दिया, 4-5 दिन बाद बहुत मुश्किल से वो पैसा नहीं देता, अगर मैं उसे नहीं बताता कि मेरे कोर चैनल उसमें वीडियो डाल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं बताता तो पैसा खा जाता वो। इसलिए भाई थोड़ा चलाक से काम करना, सोशल मीडिया पर जो भी काम करता है पैसे बहुत ज़्यादा खा लेते हैं यार। रमी अमी का ये प्रमोशन तो करना ही नहीं भाई, सट्टेबाजी का प्रमोशन करना ही नहीं, ना तो मैं अब करता। भाई दिमाग ख़राब तो होगा ना, 5 दिन में पैसा दे रहा है, आधे घंटे में पैसा हो जाएगा, बोला 5 दिन हो गया था पैसा नहीं दिया था, मैं वो वीडियो को डिलीट मार दिया। अब यूट्यूब ने क्या काम किया, 8 दिन बाद, मतलब वीडियो डिलीट करने के 8 दिन बाद मेरे को एक जीमेल आया कि आपके चैनल में कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ी है, इधर कहीं आप बाजू में देख सकते हो। अब ये 90 दिन तक भाई नहीं हट सकता, जिसके कारण मेरे चैनल का रीच जो है ना वो डाउन हो गया। अब 90 दिन तक मतलब जो स्ट्राइक है वो नहीं हट सकता, इससे पहले भी आया था लेकिन वो हट गया था, 90 दिन हुआ और अपने आप हट गया था। अब ये वाला एक और आ गया भाई, एक स्ट्राइक चैनल पर है। तो सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, ऐसे स्कैम से सावधान रहना भाई, बहुत गलत बंदे रहते हैं यार, पैसा खा जाते हैं, लोगों के वीडियो वीडियो डलवा देंगे भाई। पहले तो लिंक सेंड करेंगे, अनलिस्टेड में लिंक सेंड करो कहेंगे, देखेंगे, फिर कहेंगे आधे घंटे पेमेंट हो जाएगा, पब्लिश कर दो, पब्लिश कर दोगे वो कहेंगे भाई ऊपर बात चल रही है, कोई बात नहीं चलता भाई, वो पैसा खाने के देखते हैं। तो सतर्क रहो भाई और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब भाई हमारा रेगुलर कंटेंट आने वाला है इस चैनल में, तो सब्सक्राइब करो। एंड भाई दिल से सॉरी यार, इतने दिनों से ब्लॉग व्लॉग भी नहीं डाला, लेकिन क्या बोलें यार, सुबह मिलते हैं 8 बजे न्यू टॉपिक।